हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। इस दुनिया में कई तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों को कहीं भी घूमना पसंद नहीं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग जगह पर आते जाते रहते हैं, जगह जगह घूमना पसंद करते हैं, तरह तरह की चीज़ें सीखना पसंद करते हैं। आज हम भारत के उन जगहों की बात करने वाले हैं जो दुनिया में सबसे पुराना या सबसे बड़ा, बेसिकली एक अहम स्थान उन जगहों का पूरे दुनिया में है जहां पर आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। अगर आपको एक ऐसी जगह ले जाएं जहां पर आप अपने आप धरती से ऊपर उठते जाएं बिना किसी आर्टिफिशियल ताकत के, तो ऐसा ही कुछ होता है लद्दाख में, जहां पर आप एंटी ग्रेविटेशनल इफेक्ट का अनुभव कर सकते हैं, जिसे मैग्नेटिक हिल के नाम से जाना जाता है। यहां पर अगर आप गाड़ी को न्यूट्रल पर डाल के छोड़ देते हैं तो गाड़ी अपने आप चढ़ाई पर चढ़ जाती है, बल्कि यहां पर उल्टा जब आप नीचे उतरने लगते हैं, वापस आने लगते हैं चढ़ाई से, तो आपको एक्सेलेरेटर देना पड़ता है गाड़ी को नीचे उतारने के लिए। दोस्तों, भारत में क्रिकेट का नाम सुनते ही लोगों के अंदर एक अलग जोश और क्रेज जाग उठता है। भारतीय क्रिकेट ग्राउंड कई चीजों में नंबर वन स्थान रखता है। चाहे हम बात करें सबसे ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल स्टेडियम की, तो ये भारत में सबसे ज्यादा हैं, जिनकी संख्या 53 है। इसके साथ साथ दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी भारत में स्थित है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम जो कि चैल हिमाचल प्रदेश में है, जिसे पेड़ों को काटकर एक जमीन को समतल कर बनाया गया था, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम है। आपको एक बार जरूर इन जगहों पर जाना चाहिए। हम सबने सुना है तैरता हुआ घर, आइसलैंड और गार्डन, लेकिन कश्मीर के डल झील में एक तरह का तैरता हुआ डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस है, जो कि 200 साल पुराना है। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस पाया जाता है पूरे दुनिया के मुकाबले। वैसे दोस्तों, आपने आखिरी बार पोस्ट ऑफिस कब यूज किया था, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम सब जानते हैं कि VIP पर्सन्स को सिक्योरिटी दी जाती है या फिर विलुप्त हो रहे पशु पक्षियों को संरक्षण दी जाती है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता के मंदिर में 25,000 से भी अधिक चूहे रह रहे हैं, जिन्हें माता करणी की संतान माना जाता है, जिन्हें छूने पर आपके ऊपर केस भी हो सकता है। इनको सरकार सिक्योरिटी देती है, जिससे इन चूहों को कोई छू भी नहीं सकता है। यहाँ पर दुनिया के बहुत से पर्यटक आते हैं। क्या आप भी जाना पसंद करेंगे, कमेंट में लिखिए। आपने रेलवे ब्रिज पर तो बहुत ट्रेवल किया होगा, लेकिन क्या आपने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर ट्रेवल किया है, जिसके बारे में आजकल दुनिया भर में चर्चा हो रही है। हम बात कर रहे हैं चेनाब ब्रिज की, जो कि जम्मू कश्मीर रीजन में है, जो कि फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित आईफिल टावर से भी 35 मीटर ज़्यादा लंबा है, जिसकी कुल ऊंचाई 359 मीटर है और यह ब्रिज 1.3 किलोमीटर लंबा है। इसका लाइफ स्पैन 120 ईयर्स बताया जा रहा है, पर यह ब्रिज जनवरी 2024 तक ऑपरेशन में आ जाएगा और आपको एक बार जरूर घूमना चाहिए ऐसे उत्कृष्ट नमूनों पर। हम सबने सुना है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे स्टेट में स्नोफॉल तो होता ही है, लेकिन क्या आपने पहले कभी सुना है साउथ इंडिया में स्नोफॉल, जहां पर नॉर्थ इंडिया के मुकाबले काफ़ी भीषण गर्मी भी पड़ती है। साउथ इंडिया में लैम्बासिंगी आंध्र प्रदेश में 0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाता है। यह गांव 1000 मीटर ऊपर है सी लेवल से। इसे आंध्र प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक हर वर्ष घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ का वातावरण देखने के लिए जाते हैं। क्या आप भी यहाँ पर जाना पसंद करेंगे? एक सामान्य रोड पर चलने का अनुभव तो सभी के पास होता है, लेकिन एक ऐसा रोड जो ऊंचाई में दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचा हो, ऐसा रोड पर बाइक चलाने का अनुभव आपको ज़रूर करना चाहिए। जहाँ से आप नीचे देखें तो ऐसा महसूस होगा कि आप
एरोप्लेन की यात्रा कर रहे हैं और रास्ता भी खतरों से भरा हुआ होता है। इस शानदार नज़ारे का अनुभव आप कारडुंगला लद्दाख में कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत से पर्यटक हर साल आते हैं घूमने के लिए। भारत में हर वर्ष 10 लाख से भी अधिक बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, जिसमें से सिर्फ 0.2% लोगों को चयनित किया जाता है। लेकिन इतना टफ एग्जाम होने के बावजूद भारत के यूपी राज्य के जौनपुर जिले के एक मधुपत्ती गांव को ऑफिसर्स विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है। कहा जाता है कि प्रतिभा संसाधनों का मोहताज नहीं होती। यही कारण है कि साधनों के बावजूद भी प्रतिभा निखर कर सामने आ जाती है। मधुपत्ती गांव सिर्फ 75 घरों वाले गांव में कुल 47 आईएएस आईपीएस निकले हैं। क्या आप यहां जाना चाहेंगे और यहां के लोगों का पढ़ने का स्ट्रेटजी जानना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपने कुंभ मेला के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, हम उसी मेला की बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में लगता है। इस मेले के बारे में कहा जाता है कि इलाहाबाद में हर साल एक नया शहर को जन्म दिया जाता है, बनाया जाता है और उसी साल उस शहर को उजाड़ भी दिया जाता है। क्या आप पहले कभी कुंभ मेला में गए हैं? अगर गए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हम धार्मिक स्थलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्थान अमृतसर में स्थित गोल्डन टेंपल है, जहां पर हर रोज हजारों सिख आते हैं। यहां पर किसी एक स्पेशल ओकेजन पर कभी कभी तो लोगों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच जाती है। आज तो हम बहुत आसानी से समय को देख लेते हैं, कभी मोबाइल में तो कभी स्मार्ट वॉच या क्लॉक में। लेकिन पुराने समय में यह सब नहीं होता था। उस समय सनडायल का उपयोग किया जाता था समय को देखने के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल राजस्थान के जयपुर में है, जिसे जंतर मंतर के नाम से भी जाना जाता है। अमूमन आइसलैंड अक्सर समुद्र में ही पाया जाता है, पर आइसलैंड रिवर में भी पाया जाता है, जिसे रिवर आइसलैंड बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड असम में ब्रह्मपुत्र रिवर पर पाया जाता है। यहाँ पर लोग अक्सर जाते हैं वहाँ की माइग्रेंट्स बर्ड्स को देखने। अक्सर लोग ताजमहल, लाल किला, सारनाथ घूमने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मॉन्यूमेंट्स कर्नाटका में स्थित है। इस मॉन्यूमेंट का नाम मैसूर पैलेस है। इस इमारत की उत्कृष्ट बनावट, नूर जैसा रूपरेखा लोगों का मन अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इसीलिए तो ताजमहल से भी ज़्यादा लोग इसे हर वर्ष देखने जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना शहर कौन सा है जहां पर आज भी लोग रहते हैं? यह शहर कहीं और नहीं, भारत में ही है। यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है, जिसे 3000 BC में लॉर्ड शिवा ने खोजा था। और इसी शहर में गौतम बुद्ध ने सन 528 ईसा पूर्व में पहला प्रवचन भी दिया था। अब तक तो आप इस शहर का नाम जान ही गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस शहर का नाम वाराणसी है, जिसे बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हर साल देश विदेश से लोग इस शहर के नमूनों और इतिहास में हुए उत्कृष्ट कारनामों को देखने के लिए आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने चाहने वालों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें।